सो फाइनली आज हमारे गेम का OB45 अपडेट आ चुका है। अगर आप लोग अभी तक अपडेट नहीं किया तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग गेम को कैसे अपडेट कर पाओगे एंड गेम के अंदर क्या कुछ नया चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है, वीडियो को एंड तक देखो। लोग आज गेम को ओपन कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक अपडेट लेटर एंड अपडेट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि गेम को अभी अपडेट नहीं करना तो आप लोग यहाँ पे अपडेट लेटर पर क्लिक करके आप लोग गेम खेल सकते हो, ठीक है। आप लोग बस BR रैंक और CS रैंक नहीं खेल सकते हो, अपडेट जब तक नहीं करोगे तब तक आप लोग नहीं खेल पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे अभी आप लोग अपडेट करोगे तो आप लोग सिंपली से यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर देना है। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अपडेट कैसे करना है। चलो यहां पे आप लोगों को अपडेट पर क्लिक कर देना, ठीक है। आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर ले जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो 331 मेरा MB काट रहा है। चलो मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ 331 MB दे करके, उसके बाद फटक से मैं यहाँ पे अपडेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो फाइनली आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो मेरा यहाँ पे गेम अपडेट हो रहा है, ठीक है। अपडेट होने के बाद चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद यहाँ से ही मैं गेम को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो फाइनली मैंने यहाँ पे गेम को ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा गेम अभी ओपन हो रहा है दोस्तों। कुछ इस तरह का नया इंटरफेस आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिलने वाले, जब आप लोग गेम को ओपन करोगे ना तो आपके सामने कुछ नया इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो फाइनली मेरा गेम यहाँ पे ओपन हो करके आ गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप लोग क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, इसका लॉबी का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद सबसे पहले अभी हम लोग बात करने वाले इवेंट के बारे में, ठीक है। हमारे OB45 अपडेट के बाद कौन कौन सा नया इवेंट आया है या नहीं, चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इवेंट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे गेम के अंदर जो KC कैरेक्टर आने वाला था वो फाइनली आ चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे KC कैरेक्टर लेना चाहते हैं परमानेंट, तो आप लोगों को BR रैंक या CS रैंक में अपने दोस्तों को 5 बार यहाँ पे हेल्प करना पड़ेगा, देन आप लोगों को यहाँ पे KC कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग 5 बंदे को यहाँ पे रिवाइव कर लेना, देन आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग परमानेंट मिल जाएगा। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा जो KC कैरेक्टर आया है ना OB45 अपडेट के बाद, वो KC कैरेक्टर देखने में कैसा होने वाला है, ठीक है। इसका नाम तो सुनने में बहुत ही प्यारा KC रखा गया है, वो देखने में कैसा होने वाला है चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। यही है हमारा KC कैरेक्टर, इसका एनिमेशन आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से बनाया गया है। एंड इसके बाद आप लोग क्या देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे ट्राई अपडेटेड कैरेक्टर, यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में 7 दिन के लिए कैरेक्टर दिया जा रहा है। अगर आपके पास कुछ कैरेक्टर नहीं है तो आप लोग यहाँ से क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैलिसोर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को 7th एनिवर्सरी इवेंट देखने को मिलने वाला है। 7th एनिवर्सरी इवेंट हमारे गेम के अंदर कब आएगा, 27 जून, यानी कि कल हमारे गेम के अंदर 7th एनिवर्सरी इवेंट आ जाएगा दोस्तों। इसके बारे में भी आप लोगों को मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 7th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर आप लोग क्या कुछ रिवॉर्ड्स आप लोगों को मिलने वाला है। एंड हमारे BR रैंक के अंदर मिनी पीक आ चुका है दोस्तों। अगर आप लोग मिनी पीक का मजा लेना चाहते हैं तो आप लोग BR रैंक को अभी खेलो, ठीक है। अपडेट करने के बाद आप लोग BR रैंक को खेले। उसके बाद यहाँ पे न्यू इन CS रैंक के अंदर आप लोग यहाँ पे कुछ इवेंट देखने को मिलने वाला है, बुया करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेशल इवेंट इन CS के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप लोगों को हमारा जो गन का सिस्टम का अपडेट होने वाला था ना, वो भी हो चुका है, यहाँ पे बैनर पे आ गया है। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। चलो मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ कि हमारा जो गन का चेंजेस होने वाला है ना। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर अपडेट होने वाला था वो कैरेक्टर अपडेट यहाँ पे हो चुका है। उकोंग, क्रोनो, आलोक, क्लू, फोर्ड एंड यहाँ पे श्रीलू एंड एंड्रो का यहाँ पे एबिलिटी को थोड़ा अप कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैरेक्टर का जैसे कि सानी, जेबी, उसका हया, तो ये सारा कैरेक्टर का यहाँ पे एबिलिटी थोड़ा डाउन कर दिया गया है, ठीक है। ये देखो आप लोग यहाँ पे वेपन अपडेट कर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे SKS वुड पिकर SDV का यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे अपडेट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पे हमारे गेम के अंदर स्टोर का भी थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे स्टोर के अंदर क्या अपडेट हुआ, ठीक है। चलो फटक से मैंने यहाँ पे स्टोर पे अपडेट कर दिया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारा बंडल हमारे स्टोर में
में देखने को मिल रहा है OP45 अपडेट के बाद। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाला इनमें से कोई बंडल अच्छा लगता तो आप लोग ले सकोगे दोस्तों। मेरे को तो बहुत ही अच्छा अच्छा बंडल यहाँ पे शो कर रहा है। एंड इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे और क्या कुछ देखने को मिलने वाला स्टोर के तो अंदर में आप लोगों को कम से कम यहाँ पे 15-20 बंडल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे गेम OP45 अपडेट के बाद गेम के अंदर मैजिक बिस्टर में भी अपडेट आने वाला था, वो भी फाइनली आ चुका है। जो हालांकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि हमारे OP45 अपडेट के बाद हमारे मैजिक बिस्टर का अपडेट होने वाला है। एंड यहाँ पे FF टोकन का भी अपडेट हो चुका है हमारे OP45 अपडेट के बाद। आप लोगों को यहाँ पे ऊपर के साइड ये साइड देख सकते हो, ये सारा आप लोगों को बैट का स्किन वगैरह आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग लेना चाहते तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो FF टोकन से एक्सचेंज करके। ठीक है, चलो मैं अभी लोगों को बताता हूँ कि हमारे गेम के अंदर जो गन का चेंजेस होने वाला है ना वेपन का, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या चेंजेस हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे गेम के अंदर जो गन का चेंजेस होने वाला है वेपन का, वो यहाँ पे कस्टमाइज करके ऑप्शन आ चुका है। मतलब आप लोग किसी भी गन को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे M4A1 का देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे M4A1 को यहाँ पे सेव कर लिया। उसके बाद मेरे यहाँ पे कितना M4A1 का स्किन है, M4A1 8 स्किन है। 8 में से मैं 2 स्किन को एक ही गन पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं किसी कौन सा वाले को आप लोगों को समझाऊँ, यहाँ मैं से किसी एक को समझा लेता हूँ। ठीक है, इस वाले गन का स्किन को और ये वाले गन का स्किन को मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ। मतलब 2 एबिलिटी एक गन पे आप लोग यूज कर सकते हो। भाई ये भी अपडेट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोगों को से ये वाला अपडेट कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार रहते मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर फ्री फायर से रिलेटेड कॉन्टेंट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता रहता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।